शहर त्राड़खल आज़ाद कश्मीर के एक गांव, इसको बोलते हैं कराठा पार, जो त्राड़खल से 2 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ पर हम आए, यहाँ पर बहुत खूबसूरत आबशार है ये। वैसे तो आज़ाद कश्मीर का हर इलाका ही खूबसूरत है, मगर त्राड़खल आज़ाद कश्मीर के करीब एक बहुत ही प्यारी आबशार है जो अपनी खूबसूरती में बहुत ही नुमाया है। ये आबशार त्राड़खल शहर से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर के फासले पर वाकया है और बहुत ही प्यारी आबशार है। इस जगह का नाम है कराठा पार और यहाँ पर एक चक्की भी है जहाँ लोग दाने वगैरह लाते हैं और दाने वगैरह को पिसवा के आटा जो है घरों को ले जाते हैं। मैं और उस्मान भाई आए आबशार पे, आए, बड़ी प्यारी आबशार है यहाँ पे, आप भी विजिट करें, काफी प्यारे प्यारे लोग भी यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी जगह है, आप जरूर आए, अपनी फैमिली के साथ आए और बहुत इंजॉय करेंगे, हम लोग भी बहुत इंजॉय करें, अभी भी पहुँचे। हाँ, आप यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, जुमान का बर्थडे भी आ रहा है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। काशिफ भाई भी आए यहाँ पर, सुफियान भाई भी आए, तो सुफियान भाई भी, वो भी उधर पिक्चर वगैरह बना रहे हैं। अक्सर लोग जो चक्की से आटा पिसवाते हैं उनको पता होगा कि कराट में किस तरह पानी को तरीके से छोड़ा जाता है और किस तरह चक्की चलती है, उनको इस बारे में बाखूबी अंदाजा होगा। तो आप यहां देख सकते हैं अंदर चक्की भी चल रही है, किस तरह चक्की घूम रही है पानी के प्रेशर की वजह से। आपको यहां सामने एक कच्ची कोठी नजर आ रही होगी, लोग यहां दाने लाते हैं और शाम को यहाँ से दाने पिसवा कर आटा घर को ले जाते हैं। पहले तो इस जगह इतनी आमदोरफ्त नहीं थी, लेकिन अभी लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आने लगे हैं, आकर नहाते हैं, कुछ लोग तैरते हैं, कुछ लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो वगैरह क्लिक करते हैं। आपको फिर बताता चलूं कि ये आबशार त्राड़खल शहर से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर के फासले पर हजीरा रोड पर वाकया है।